हेलो गाइस, तो WWE के टॉप 10 रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। तो सबसे जो पॉपुलर रेसलर्स रहे हैं WWE के अब तक के, वो सभी हम जानने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे रेसलर हैं वो है हॉलीवुड हल्क होगन, जो 90s के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं। और WWE की सक्सेस के पीछे हल्क होगन का काफ़ी बड़ा हाथ है, और हल्क होगन ने WWE को बचाया था और काफ़ी बड़े तरीके से WWE को फ़ायदा पहुँचाया था, और इसलिए WWE में उनका नाम बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से लिया जाता है। और हमारे अगले जो सुपरस्टार हैं वो है हमारे दी अंडरटेकर, और अंडरटेकर तो ग्रेटेस्ट सुपरस्टार है ही, ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अंडरटेकर जैसा सुपरस्टार बन पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जिस तरीके का उनके जो चार करेक्टर्स होते थे, जो अमेरिकन बैड एस होता था, डेड मैन होता था, वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हैं, और वो हमारे बचपन के हीरो हैं, और बचपन में अंडरटेकर ही हमारे हीरो होते थे, और ये बहुत ही बढ़िया था। और इसके अलावा अगला जो सुपरस्टार है वो स्टोन गोल्ड स्टीव ऑस्टिन, और जब मैं रेसलिंग देखता था तब स्टोन गोल्ड जो है रिटायर हो गए थे। मैंने 2005 से रेसलिंग देखना शुरू किया था, लेकिन फिर भी स्टोन गोल्ड के मैचेस मैंने काफ़ी बार देखे हैं, और रॉक के साथ मैचेस हों, और जो स्टोन गोल्ड के साथ का जो मैच हुआ था केविन ओवन के साथ, वो भी बहुत ही बढ़िया था, और ये भी काफ़ी ग्रेटेस्ट सुपरस्टार में से एक हैं। और जो हमारे अगले सुपरस्टार हैं वो 16-time वर्ल्ड चैंपियन हैं हमारे रिक फ्लेयर, जो कि जॉन सीना की बराबरी पर हैं, 60-time चैंपियन हैं ये भी। इनकी बेटी 14-time चैंपियन है, और इनका जो रन रहा था WWE में बहुत ही बढ़िया था, और अभी भी ये रेसलिंग कर रहे हैं, और WWE इनको अगर काफ़ी सारे पैसे दे दें तो अभी भी रेसलिंग कर सकते हैं। हालांकि ये रिटायर हैं WWE में, तो इनके कम्पीट करने का कोई चांस नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट सुपरस्टार हैं ये भी। अगले जो सुपरस्टार हैं वो है हमारे रोमन रिंग्स। अब रोमन रिंग्स इसलिए भी हैं क्योंकि रोमन रेंज के जो फेवरेट हैं ये हमारे ब्रेट हार्ट, तो ब्रेट हार्ट जो बहुत ही ग्रेटेस्ट सुपरस्टार हैं, जो कि रोमन रेंज के फेवरेट हैं और इनके मेंटोर हैं, इनके गुरु की तरह आप कह सकते हैं। और अगले जो सुपरस्टार हैं वो है द ब्रह्मा बुल द रॉक, और द रॉक जैसा सुपरस्टार बन पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और हॉलीवुड तक जाना और इतना बड़ी सक्सेस हासिल करना। हालांकि WWE का उनका करियर उतना बड़ा नहीं रहा था, जैसे ही वो थोड़ा पॉपुलर हुआ WWE से वो हॉलीवुड में चले गए, लेकिन फिर भी वो ग्रेटेस्ट सुपरस्टार की लिस्ट में जहाँ पर आते हैं। और अगले जो सुपरस्टार हैं वो हार्ट ब्रिकेट शॉन माइकल्स हैं, और शॉन माइकल का काम भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, और जो भी WWE में उन्होंने किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ में DX की हो, चाहे वो चैंपियनशिप जीतने की बात हो, रसोमेनिया मिस्टर रसोमेनिया भी ने कहा जाता था, तो ये भी एक ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम में आते हैं। जो अगले सुपरस्टार हैं हमारे वो है द गेम ट्रिपल एच, तो नो डाउट ये भी शॉन माइकल के साथ ही थे काफ़ी टाइम तक, इन्होंने उनकी जोड़ी रही, उनके मैचेस बहुत ही बढ़िया होते थे, और ट्रिपल एच जो है वो विंस के जवाई भी हैं, तो इसलिए भी जहाँ पर उनकी बुकिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, और ट्रिपल एच भी जहाँ पर ग्रेटेस्ट सुपरस्टार, ये भी रिटायर हो चुके हैं WWE से। एक और सुपरस्टार जो रिटायर हो चुका है, हम सबका फेवरेट 2004-05 जो रेसलिंग देखते थे उनको पता है कि ये कितने बढ़िया सुपरस्टार हैं, द बटिस्टा। बटिस्टा हमारे सबसे फेवरेट थे, अंडरटेकर और बटिस्टा दोनों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते थे, और मुझे बटिस्टा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते थे, और ये भी ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम में डेफिनेटली आते हैं। और जो हमारे लास्ट हैं और हमारे सीनियर लीडर जॉन सीना, ये भी 2004-05 की बात है, जब जॉन सीना बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन रहे थे, और जहाँ पर जो ये थे हमारे सभी जो सुपरस्टार जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, आपको कौन लगता है कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आपके हिसाब से कौन है, और आपकी लिस्ट क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कौन इस तरह की वीडियोस देखने के लिए।